बीती रात मेरठ के थाना लाल कुर्ती में एक शादी वाले घर में चोरों ने ताला तोड़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर घर में रखे पैसे और जेवर की कीमती सामान को लेकर फरार हो गए। वहीं पूरा परिवार घर से कुछ दूरी पर मंडप में शादी के कार्यक्रम में व्यस्त था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घर के बाहर लगे CCTV कैमरे के जरिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। क्षेत्र के अंदर किसी के मकान में चोरी का मामला है, क्या पूरा मामला है? लाल कुर्ती थाना क्षेत्र में एक ओम प्रकाश जी हैं, वो शादी में गए थे। जब घर आके देखे तो 2.5 घंटे बाद उन्होंने पाया कि घर में चोरी हुई है। चोरी पे सूचना पर पुलिस भी गई, सवेरे पुनः पुलिस गई, अभी तक तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। और अभी जस्ट मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई, तब तक तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। उनसे प्रयास किया जा रहा है कि वो तहरीर दे दें जिससे अभियोग पंजीकृत किया जाए। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। कितनी की चोरी हुई है कुछ परिवार वाले? तहरीर उनका नहीं प्राप्त हुआ है। तहरीर मिलने के बाद ही हम बता पाएंगे। उनसे पूछा गया, रात में भी संपर्क किया गया, सुबह संपर्क किया गया, दोबारा भी संपर्क किया गया, लेकिन अभी तक तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद फिर बता पाएंगे। कुछ CCTV फुटेज वगैरह? कुछ CCTV फुटेज है जिसमें एक लड़का घर में घुसा है, एक लड़का बाहर है, दो लोग हैं। फिलहाल दो ही लोग CCTV कैमरे में हैं जिसमें केवल एक ही घर के अंदर गया है। मेरा मर्जी तो पप्पू भैया, हमारे घर में शादी थी, हम मंडप में थे, घर का ताला टूट गया, टूटा हुआ था, सामान सारा चला गया, मेहमानों को चला गया, बेटी जिसकी बेटी शादी है हमारी उसका सारा दहेज चला गया, सारा सब 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 रिश्ता सामान है सब चला गया। ये भैया 11:30 बजे की बात है भैया, हम तो बारात का स्वागत कर रहे थे तो यहाँ ये काम हो चुका है, यहाँ डकैती पड़ चुकी है। अच्छा भाई साहब, लगभग कितने की चोरी है भैया? ये तो कोई अंदाजा नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं।